महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई जुबानी जंग। देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए बोला हमला। देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोलते हुए कहा अब तो ओवैसी भी यहां आकर बोल रहे हैं, सुन लो ओवैसी अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं पर बोला हमला, कहा मेरा नाम लेकर वोट जिहाद की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है, फडणवीस नहीं कर रहे तो कौन कर रहा है, एक फिल्मी डायलॉग के जरिए साधा निशाना। सभा को संबोधित करते हुए बोले ओवैसी मोदी वक्फ बिल लाए हैं, अगर ये कानून बन गया तो हमसे हमारी मस्जिद और दरगाह छीन ली जाएगी, कहा मोदी से मत डरो अल्लाह से डरो। पीएम नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में 3 रैलियों को करेंगे संबोधित, चिमूर सोलापुर में सभा के बाद पुणे में करेंगे रोड शो। चिमूर में दोपहर 12 बजे होगी पीएम नरेंद्र मोदी की रैली, सोलापुर में दोपहर 2 बजे जनसभा और पुणे में शाम 5:30 बजे रोड शो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड और महाराष्ट्र में तूफानी चुनाव प्रचार, आज कई रैलियों को करेंगे संबोधित। धनबाद और कतरास में जनसभा करेंगे अमित शाह, मुंबई और कांदिवली पश्चिम में भी करेंगे चुनाव प्रचार। आज महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए भी वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री योगी, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज महाराष्ट्र दौरा, नागपुर समेत कई जगहों पर करेंगी चुनावी सभा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे, चिखली गोंदिया में प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस और खड़गे को बताया भगवान विरोधी, कहा इन्हें भगवा पसंद नहीं, एक है तो सेफ है किनारे पर बोले सपा नेता अबू आजमी, कहा बीजेपी और महायुति मुसलमान विरोधी पार्टी, इनके मंत्रिमंडल में मुस्लिमों का नहीं होता स्थान। खड़गे के बयान पर अबू आजमी ने किया समर्थन, कहा भगवा कपड़े पहनकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, विभाजनकारी राजनीति को महाराष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा, शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले का बयान। चुनाव अधिकारियों के बैग चेक करने पर भड़के उद्धव ठाकरे, पूछा कभी पीएम सीएम का बैग चेक किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का दावा 175 से ज्यादा सीट जीतेगी महायुति। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने महाराष्ट्र में महायुति को समर्थन देने का किया ऐलान, कहा जो काम छत्रपति शिवाजी ने किया वैसे ही महायुति ने किया।